जयपुर पतंगबाजी के साथ ही पक्षियों का घायल होना भी शुरू। वर्गो सांस्कृतिक संस्था की ओर से दुकान नंबर 111 किशनपुर बाजार में पतंगबाजी के साथ ही पक्षियों का घायल होना शुरू हो गया है। राजधानी में जयपुर में करीब 2 दर्जन पक्षी घायल हो रहे हैं। घायल पक्षियों के लिए वन विभाग की ओर से एनजीओ के सहयोग से जयपुर शहर में पक्षी उपचार शिविर लगाए जा रहे हैं। जयपुर की पतंगबाजी देश दुनिया में मशहूर है, लेकिन मकर संक्रांति पर बाजी बेजुबान पक्षी की जिंदगी पर खतरा बन जाती है। संस्था अध्यक्ष रूपाली राव ने बताया कि शहर में कई जगह पर पक्षी के उपचार के लिए कैंप लगाया जा रहा है। लोगों से अपील किए किसी को कोई भी घायल पक्षी मिले तो वह तुरंत दुकान नंबर 111 किशनपुर बाजार में सूचना दे। वे इस मौके पर सचिव रवि कश्यप, वनिता नागर, डॉक्टर टीम पायल मेडा, आदर्श वर्मा, सूचना मंत्री सुनील जयगंगाशरण, दुसाद रामबाबू, दुसाद अनूप, दुसाद शक्ति गोविंद, पाराशर, नेहा अग्रवाल, रविंद्र माथुर, भूपेंद्र माल व्यास, मनोज पंडित, तुषार शर्मा, शुभांशु जोशी, सलामुद्दीन गौरी मौजूद थे। यहाँ पे ये जो अपने संक्रांति का जो पर्व है उस पर ये काफी कबूतर जो है ये घायल होते हैं, और हर साल की तरह आज अब की बार भी कुछ कबूतर हमें मिले हैं। वैसे तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कबूतर ना ही आए, क्योंकि ये इनके लिए अच्छा है ना, और इनकी से कबूतर वैसे भी आप जैसे देखते हैं कि आजकल पशु पक्षी जो है वो कम हो रहे हैं, जैसे अपन मोबाइल यूज़ के कारण इनके जो एवोल्यूशन है उसका प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी संरक्षण की तरफ ध्यान देना चाहिए। और संक्रांति का पर्व त्यौहार मनाओ, खुशियों के साथ मनाओ, पर इनके भी बारे में थोड़ा सा। थैंक यू। हाँ मैम, आप बताएं। जैसे कि ये बीमार हो चुके हैं, मतलब इनके कटवट लग रहा है, तो आप ध्यान से पतंग उड़ाइए, सेव द बर्ड, क्योंकि बर्ड की बहुत जरूरत है। इस्तेमाल ना ही करें, सादा धागा यूज करें। इसी साथ में हमारे सुनील जी भी हमारे समक्ष है, तो हम इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। आज जो वर्गो सांस्कृतिक संस्थान की ओर से ये जो कैंप लगाया गया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, आज समाज को, जनता को क्या संदेश देंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी मकर संक्रांति घायल जो पक्षी जो हो जाते हैं उनके जो हम ये कैंप जो लगा रहे हैं, अभी हमारे पास 4-5 कबूतर आ चुके हैं दिन भर में, और ये 15 तारीख तक ही हमारा लगाने का है। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज बंजे का प्रयोग नहीं करें और अच्छे से पतंग उड़ाएं। आपका नाम और आपका? मेरा नाम सुनील जैन, मैं वर्गो सांस्कृतिक संस्था का सूचना मंत्री। धन्यवाद।